सर ये बताइए कि हिंदुस्तान का हाल आप देख रहे हैं, महंगाई का, महंगाई के ऊपर आपको कितना प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि चलता है, मोदी जी जय श्री राम बोलो, मोदी जी कितना 200 रुपये भी लीटर अगर बेचते हैं तो हमारे लिए चलता है, आपके लिए चलता है? वो मोदी के एजेंट है ना साहब, उसके लिए चलता है, हमारा सर का पब्लिक को नहीं चलता है। आजकल तो मोदी का एजेंट बहुत आदमी भी एजेंट बन गया, कहना इधर से लूटा तो एजेंट को इतना देना, वो एजेंट को दे दिया तो एजेंट बोलता है 1000 रुपये वन दे, हमारे को 10 रुपये बढ़ा तो हमारे को मालूम कितना प्रॉब्लम है करके। वो बोलता है कौन सा कि एजेंट बैठ के बोलता है मोदी को 2000 बढ़ाने, 1000 बढ़ाने तो पेट्रोल के ऊपर, उसका क्या जाने का है? वो आराम से किधर की पैसा लिया डाल लिया जॉब में, मोदी मोदी करके बोल दिया, उतना ही मालूम है कि थोड़ा दिमाग से बात करना है साहब। 200 रुपये पेट्रोल, किधर है हम लोग, हमें दुबई में है क्या पेट्रोल पॉकेट में लेके जाने के लिए? 200 एक दिन को एक आदमी कमाता है 300 रुपये कमाता, 200 रुपये पेट्रोल डाल दिया तो 100 रुपये में क्या चलाने होता है? 100 रुपये में क्या चलाने होता है बोलिए? 100 रुपये में क्या चलाने होता है? घर चलाने होता है क्या 100 रुपये में? बीवी बच्चे को भीख मांगने भेजने हैं, ऐसा लोग रहे तो भीख मांगने भेज डालते हैं अभी 2 दिन में। लेकिन जनता कुछ आवाज़ नहीं उठा रही है, सब खुश है कि चलता है साहब। जनता को पहले समझना चाहिए, मैं भी जनता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनता आना है रोड को, जब तक जनता रोड को नहीं आता ऐसा लोग का चलता रहता है सर। जनता सर अमेरिका में जाके देखो, एक क्या था भी प्रॉब्लम हुआ तो टोटल पब्लिक आके करता रोड पे ऊपर, हमारा भारत में कहीं को नहीं करता। इसके लिए कौन तो भी पैदा होना अंबेडकर पैदा क्या आना क्या, फिर भी नहीं बसवाना पैदा हो क्या आना क्या इसके वजह से? सर देखिए जितने टीवी चैनल पे जितने लोग भी आते हैं वो सारे लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों का भलाई हो रहा है। अभी तो बोला ना एजेंट लोग है जो थोड़ा पैसा ले लिया, मोदी के बारे में बात कर दिया, उसके वो पार्टी से थोड़ा पैसा ले लिया उसके बारे में बात कर दिया, खाली एजेंट लोग, पब्लिक के बारे में कौन भी नहीं बात कर रहा साहब। तो सर महंगाई का मार आपको किस किस चीज पर नजर आ रहा है? किस चीज पर नहीं नजर आ रहा है आप बोलिए, किस चीज पर नहीं नजर आ रहा है? दूध पे महंगाई, बच्चे लोग पीने का दूध पे महंगाई, जो रोज का खाने का रोटी के ऊपर महंगाई, इससे क्या चाहिए आदमी को? खाली खाने के लिए रोटी छोने के लिए 76 चाहिए बस, उसमें भी महंगाई बना दिया तो क्या किधर जाना है आदमी? मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, अभी बेंगलुरु में 111 रुपीस पेट्रोल, 111 रुपये दे के पेट्रोल डाल के क्या करना है? पेट्रोल बढ़ा दिया तो लारी स्ट्राइक कर दिया, डीजल बढ़ा दिया करके लारी वाले ने रेट बढ़ा दिया, लारी स्ट्राइक करके उसका एक रेट बढ़ा दिया, आज होटल वाला रेट बढ़ा दिया, एक काफ़ी आके 10 रुपये था 100 काफ़ी, अब 15 रुपये बढ़ा दिया, कहाँ जाके पीना है काफ़ी? रोड में मिल जाता था 5 रुपये को काफ़ी, अब 10 रुपये देना है, इतना बड़ा ग्लास में 10 रुपये काफ़ी। एक पैकेट तेल कितना है मालूम है साहब आपको? 1000 रुपीज आज गैस रेट भी एक ही है, नॉर्मल तेल पकाता ना इंडिया घर में पकाता ना तेल, उसका 1000 रुपीज, 1000 रुपये गैस को देना, 1000 रुपये तेल को देना, क्या हमें चुरा ले के आना है क्या पब्लिक जाके? किधर से चुरा ले के आना है? आप चुरा के रख दिया किधर की, वो बैंक में रख दिया ये बैंक, पब्लिक किधर जाना है? दाल में इतना रेट, तेल में इतना रेट, नमक में भी रेट बढ़ा दिया साहब, और नमक वो गांधी जी बोला मुफ्त में देता नमक, इसमें भी रेट बढ़ा दिया, किधर है हमारा इंडिया? काम पे जा रहे हैं हमें मालूम नहीं हो रहा है। थैंक यू।